मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और उसी दिन ही जनता अपने जननायक का फैसला करेगी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और तब ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने किसे ताज पहनाया है। क्या कमलनाथ आ रहे हैं या फिर कमल की वापसी हो रही है, इसका फैसला 3 दिसंबर को साफ तौर पर हो ही जाएगा। इसी के चलते ही भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। इसी के चलते आज कोलारस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र राम सिंह यादव के पक्ष में एक विशाल जनसभा रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महेंद्र राम सिंह कार्यों के बारे में जनता को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमेशा ही महेंद्र राम सिंह यादव जनता के हित में कार्य करते आए हैं और सदैव जनता के लिए आगे बढ़कर सरकार से अपील भी करते हैं और उनके कार्यों को पूरा करने का भी लगातार प्रयास करते हैं। इस जनसभा के दौरान सैकड़ों की संख्या में जनता मौजूद रही, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ता और जनसेवकों की उपस्थिति भी दर्ज हुई। बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं और आप सब मेरे परिवार। मेरी बहनें यहां बड़ी संख्या में बैठी है। बताओ मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और बच्चों का ये अपने रिश्ते हैं। हारे भांजो, लेकिन मामा रिश्ते से प्रियंका गांधी जी को बड़ी तकलीफ है। प्रियंका जी, रिश्ते बनाए नहीं जाते, रिश्ते अंतर आत्मा से बनते हैं। पर मेरी बहनें आज इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। दुर्गा सप्तशती में यह कहा है कि जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो देवी मां की मूर्तियां हैं। तो मैं बहनों को देवी मां की मूर्तियां मान के ही प्रणाम करता हूं। और मेरी बहनों और भाइयों, बहन मान के ही लगातार हमने कोशिश की कि हम अपनी बहनों की व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास करें। मेरी बहनों, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपनी बहनों की भलाई और कल्याण के लिए कौन सा काम किया जाए। पहले कई योजनाएं बनी, आज उनका जिक्र करने का समय नहीं है। लाडली लक्ष्मी से लेके और बेटियों के रिजर्वेशन तक, लेकिन मैं देखता था कि मेरी गरीब बहने कई बार छोटी छोटी चीज के लिए परेशान हो जाती है। 1,000-2,000 रुपए की जरूरत भी हो तो हाथ फैलाना पड़ते हैं। और इसलिए इसी कोलारस में, अगर आपको याद होगा सुशील जी, उस समय मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी गरीब बहने जो सहरिया समाज से आती उनके खाते में 1,000 रुपया हर महीना डालूंगा। इसी धरती से मैंने तय किया। बाद में कांग्रेस ने बंद कर दिए, कमलनाथ ने बंद कर दिए, लेकिन इस बार मेरे मन में आया कि बहनों का भला करना है शिवराज, तो सारी बहनों के खाते में अगर पैसा डाल दोगे तो बाकी काम, बाकी जिंदगी बहनों की आसान हो जाएगी। और इसलिए मैंने लाडली बहना योजना बनाई और तय किया। एक विचार मेरे मन में और आया कि महीने में, साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा, तो मैंने तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालूंगा और बन गई लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कैसी योजना है लाडली बहना? जरा जोर से बताओ, कैसी योजना है लाडली बहना? कांग्रेस ने कभी 1 पैसा बहनों के खाते में डाला है क्या? अरे जोर से बताओ, डाला क्या कभी? और अभी तय किया था 10 तारीख को डालेंगे, लेकिन धनतेरस आ रही थी, दिवाली आ रही थी, तो मैंने कहा कि धनतेरस के पहले ही डाल, ताकि धनतेरस के दिन बहने अपने मन से अब चीजें खरीद सके, खरीदारी कर सके।